बाय द वे यार सुनो, अभी ये बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं कुछ भी बात करती हूँ, कुछ भी मैं किसी के भी रिलेटेड बोलती हूँ, आज मैं नाम ही लेके बोलती हूँ, डायरेक्टली नाम लेके बोल रही हूँ कि मैं अपने चैनल पे जो भी बातें करती हूँ अपने चैट से या कुछ भी मेरे रिलेटेड बात करती हूँ, मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर गेमर या पर्सन के रिलेटेड बात नहीं करती हूँ। और जो भी ये एडिट चैनल वाले बना रहे हैं, स्पेशली जॉनथन का नाम लगा लगा के कि जॉनथन पायल मिसिंग जॉनथन या पायल मिसिंग दिस या क्या था, और क्या था कि मतलब मैं पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बोल रही हूँ, तो बहुत सारे हाईलाइट चैनल्स ऐसा कर रहे हैं कि मल्टीपल क्लिप्स को कंबाइन करके फेक फेक वीडियोस बना रहे हैं। मैं कभी भी उसके लिए कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड स्ट्रीमर, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, तो मैं कभी भी हाँ सांस फूल गई मेरी, तो मैं कभी भी उसके रिलेटेड कुछ नहीं बोलती हूँ। सो ये क्लियर करना था मुझे, आई होप ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो लोग पहुँचा रहे हैं वो ना करे। ओके किसी ने पूछा क्या क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, अरे मतलब क्यों कर रहे हो, बिकॉज उसके पीछे रीज़न है ना, अभी लोग हाईलाइट्स बना रहे, तो वो जिन्होंने मेरी स्ट्रीम नहीं देखी या जिनको नहीं पता, उनको क्या लगता है कि मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ या उसके लिए बोल रही हूँ, बट मैं कभी भी उसको कुछ भी नहीं बोलती हूँ। सो वही क्लियर करना था और बस यही बात थी, मतलब मुझे ना कभी उससे कोई प्रॉब्लम थी, ना है ना रहेगी, एंड लाइक वी बोथ आर डूइंग ग्रेट इन आर लाइव्स, सो या यू गाइज ऑल्सो रिस्पेक्ट थोड़ा। एक सुपर चैट आई है दोस्तों, समवन सेड हॉट गाइज आर सीन एंड फनी गाइज आर डिस्कवर्ड, तो कोई मुझे भी डिस्कवर कर लो, टाइम निकल रहा है बहुत तेज़। राहुल आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए, क्या पता राहुल आप किसी लड़की को बहुत हॉट लगते हो, और क्या पता आप किसी को फनी और हॉट सेम टाइम पे लगते हो, सो आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लड़की को इम्प्रेस करने में मदद करेगा, समझे, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, याद रखना है मेरी बात।